हेलो साथियों, मैं भारती सर आप सबों का अपने चैनल एक्शन सेंस सर्किट पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिसे कि आप सबको हम बताए थे, नाइन्थ क्लास की एक चैप्टर शुरू किए थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। और आपको हम परमाणु के बारे में बता दिए थे, अणु के बारे में बता दिए थे। परमाणु शब्द किसने दिया, मतलब परमाणु का परिचय किसने दिया, पूरा बात फिर से रिवाइज कर देते हैं, फिर तदा हो जाएगा, तब मान लो फिर से यहाँ चलेंगे, बस समझे ना। तो हमने आपको परमाणु के बारे में बताए थे, तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते, यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते, ये बातें बताए थे। और परमाणु और अणु सबको पहचाने बता दिए थे। बताइए अगर अभी देंगे तो कितना दिन पहचान सकते हैं, चलो बताओ, बताइए एच परमाणु है कि अणु है, परमाणु है। अरे मैं टू लगा देंगे तो क्या होगा, अणु की परमाणु। बताइए एन ए परमाणु है कि अणु, अरे बोल रहे बकवास। उसी तरह अगर तुमको ओ दे तो क्या होगा, अरे ऑक्सीजन दे तो परमाणु का अणु रे, परमाणु। यहाँ पर टू लगा दें तब तो ऑक्सीजन के कितना परमाणु आप हो गया, दू गो। तो परमाणु को मिल मिल के अणु बनते, बताए थे अकेला अकेला रहेगा तो का कहेंगे परमाणु, साथे साथे रहेगा तो का कहेंगे अणु। इतना बात बुझा कि न। और आपको बताए थे वैशेषिक दर्शन में भारतीय महर्षि कनाद मुनि जो थे, उन्होंने बताए थे कि संसार में जितने भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते, उसी छोटे कणों क्या बोले थे, परमाणु। और पदार्थ की विभाजता के नियम में बताए थे, जो पदार्थ को तोड़ते जाते हैं एक कंडीशन ऐसा आता है उसको नहीं तोड़ पाते हैं, तब जो कण बचता है उसी क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, बताए थे। उसके बाद बताए थे परमाणु शब्द का जो परिचय, मतलब परमाणु शब्द दिए थे वो कौन दिए थे, डेमोक्रिटस ने दिए थे, क्या दिए थे, डेमोक्रिटस ने दिए थे। और पकुधा कत्याय आम भी एक महर्षि थे, मतलब ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या किए थे, महर्षि कनाद के जो बात बोले थे उसी बात को समर्थन किया था और विस्तार से समझाया था। और एक व्यक्ति आए थे ल्यूसिपस, उन्होंने भी उस सब के विचारों क्या किए थे, समर्थन किए थे। इतना बात हम पढ़ा दिए थे आप लोग को, ये बतिया समझ में आया कि फिर चले, सब समझ गए होंगे। आज स्वाद में स्टार्ट दीजिए और लिखिए रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लिखिए स्वाद में, लिखेंगे जल्दी से, लेके रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिख लिए। चलिए आप ध्यान देते हैं, रासायनिक संयोग के दो गो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक ठो है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बात समझ गए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता क्या है। आप लोग एक बात कर लीजिए ध्यान से, जो द्रव्यमान का जो है ना, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम आप लोग को हम पढ़ाए थे, कार्य ऊर्जा जब चरण पढ़ाए थे तो वहाँ पर हम पढ़ाए थे ऊर्जा संरक्षण के नियम पढ़ाए थे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो हम विनाश कर सकते हैं और ना तो निर्माण कर सकते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम बताए थे। तो उसी नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का जो खोज किया था, केमिस्ट्री के पिता कौन बताए थे, एंटोनी लेबोजियर। एंटोनी लेबोजियर ने ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किया था और इन्होंने इसका खोज किया था 1789। देख सबे मैजिके मैजिक गधवन जखबे बल्बे कतना इसमें खोज के लिए, सर एक एक मिटा न दीजिए और 789 गाना गा देंगे, 789 याद नहीं रहते, अनस एक लगाई दो, बतिया बुझा। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, सबको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, सबको बोलना पड़ेगा, बताइए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन किसने किया था, एंटोनी लेबोजियर ने, क्या क्या था याद रहेगा, देखिए मेरे साथ ही साथ सबको बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पर यह आते हैं जो स्थिर अनुपात के नियम, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अनुपात जो होता है कोई भी तत्व का, वो क्या होता है किसी पदार्थ का, वो क्या रहता है बाबू,
स्थिर रहता है, बात समझ गए ना। तो सबसे पहले एक नंबर लिख करके आप दे दीजिए द्रव्यमान संरक्षण के, इसका डिफिनेशन करते हैं तब आगे परिभाषा और आगे हम अच्छे से समझाएंगे आपको। स्टार दिए और स्टार दे के लिखिए और लिखिएगा डैश मार के, डैश मार दिए, डैश मार के एक नंबर में ही लिखिए, दो नंबर में ही लिखिए, जल्दी फुर्ती में समझ में लिख लिए होंगे। लिखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम में डैश मार दीजिए और लिखिएगा सब आदमी। लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा, पॉइंट बना के लिखिएगा। लिखिए द्रव्यमान संरक्षण का प्रतिपादन एंटोनी लेबोजियर, ध्यान से लिखेंगे सब आदमी, एंटोनी लेबोजियर ने देख यादे है रे गदावन, ध्यान दे 1789 ये बतिया समझ लाए। लेकिन इतना ईस्वी में किया था लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इस नियम के अनुसार गदावन द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार लिखिए इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान और क्या लिखे, उत्पाद का कुल द्रव्यमान और अभिकारक के, नहीं तो और काट दीजिएगा और मत दीजिएगा, क्या लिखे, उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है अर्थात अभिक्रिया में द्रव्यमान स्थिर रहता है। चलिए ध्यान से पहले
यहाँ बात को समझिए। देखिए एक शब्द वहाँ आया है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन अभी शब्द आ गया रासायनिक अभिक्रिया तो वही हमने ना पढ़ लेंगे, उसका मतलब हम बता देते हैं। टेंथ क्लास में जाएगा तो पहले चैप्टर केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण समझ गए ना। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है यहाँ पे आप देख लीजिए, बस समझ गए ना। चलिए जैसे एक रिएक्शन हम लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के दो गो परमाणु ऑक्सीजन के दो गो परमाणु से रिएक्ट करते हैं तो जल बनता है बाबू। क्या बनता है उरे? जल बनता है। क्या बने? जल बना। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपने हाइड्रोजन लाया और आपने क्या लाए? ऑक्सीजन लाए। देखिए हाइड्रोजन के दो परमाणु है, ऑक्सीजन के दो गो पर, दोनों को रिएक्शन कराए तो क्या बना जी? जल। बताओ रे, जल यौगिक है कि परमाणु है कणु है? यौगिक क्या पढ़ाए थे? अरे बताए ना। और यह भी आपको बताए थे जो यौगिक क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसी क्या कहते बाबू? यौगिक कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके सर कैसे ये जो आप रिएक्शन कराए हैं तो ध्यान देना, वह में एक पद आया है उत्पाद, एगो कौन आया है? अभिकारक आया है। तो ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बतिया बुझा कि नोशन आए? ध्यान दीजिए, तो इसको बाबू हम क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। ये पूरा टर्म को आप यहाँ से इसको क्या बोलिएगा? अभिकारक बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे बाबू? उत्पाद बोलेंगे। तो आपको हम क्या लिखाए हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो लेता है अभिकारक उसका द्रव्यमान और उत्पाद के कुल द्रव्यमान आपस में क्या होगा? बराबर, एग्जैक्ट बराबर होगा। ध्यान दीजिए, देखिए अभी आपको हम परमाणु द्रव्यमान नहीं पढ़ाए हैं लेकिन इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, फिलहाल समझा देते। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान एक होता है, कितना होता है? एक होता है। हाइड्रोजन क्या गो? दो गो। तो एक को अगर दो से गुना करेंगे रे बबुआ तो दुए ना होगा, आ एगो की छता ऑक्सीजन। तो ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बाबू है 16, कते है 16, और यहाँ पर है क्या ठो? दो ठो है। तो 16 गुना क्या करेंगे? 16 गुना दो कर देंगे, तो जोड़िए, दो करेंगे तो दो और 16 दुना 32, जोड़ देंगे कते होते? 34 होगा। ध्यान देते, कितना होगा बाबू? 34। तो 34 ग्राम, ध्यान दीजिए, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराए तब जो जल बना है, आप देखिए एग्जैक्ट 34 ग्राम जल होगा। कैसे? ध्यान दीजिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखिए बाबू, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन वही रासायनिक अभिक्रिया करेगा जिसको हम बैलेंस कर देंगे। आपके सर केहन का बात बोल रहे हैं बैलेंस वैलेंस करने के लिए, बुझे ना। बैलेंस मतलब होता है संतुलित। क्या होता है? संतुलित। संतुलित करेंगे तब यह एक निश्चित नियम के अनुसार चलेगा। कहने में एक एग्जाम्पल आप समझिए, आप लोग भी कहते होंगे जो मेरे घर के लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं, समझे, कहते होंगे तो बहुत अच्छे। कहने का मतलब क्या हुआ? जो उस घर के सब आदमी एक निश्चित नियम के अनुसार चलते होंगे, समय पूर्ता होगा, समय पर खाना बनाता होगा, सब कुछ करता होगा, और वही में कोई कोर्ती फायरिंग मार देगा तो रूल नियम नहीं चलेगा, नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो वही वाला बतिया, यहाँ भी नियम का उल्लंघन ना हो इसीलिए दोनों को बैलेंस करेंगे। कैसे? अन्य हाइड्रोजन छे दुई गो, अन्य ऑक्सीजन छे दुई गो, अन्य हाइड्रोजन तो दुई गो छे, ऑक्सीजन में एगो छे, तो बैलेंस हुआ। हे भगवान, बैलेंस भले है तो कोई बात नहीं, अभी सोटे में समझ लेना है, अब बाकी तो खार भर के बताएंगे। तो हम क्या करते हैं बबुआ? अन्य दू से गुना कर देते, और देख ना बोकन कितना फोन की करे, अत्य दू से गुना वहीं लते आएंगे, मार बॉक्सिंग दे मारेंगे वहीं ठीक कर देंगे। देख, दो से जब भी करेंगे तो अन्य से कहेंगे ना कि बीच ना करके ना बीच दोनों घुसा देना ना, तो वहीं लती आएंगे, बुझा ना बतिया। तो अन्य दो से करबे, देख दो दुना, देख पहले तो दो दुना चार भाग गए, पहले एगो खराब था, अब एगो खराब भाग गया। तो कोई बात नहीं है, सोचेंगे समझेंगे और परखेंगे, अगर दा
तोड़े को मचवाएंगे, बुझा के 900 नहीं रहेगा दबन, ध्यान दे तो यहाँ पर कर देंगे 200, कतने से करबे 200 बोल, दो दुन्नी आ दो दुन्नी तो हरदम भले चार, ऑक्सीजन कै गो है अनहम कर दे दिगो बतिया बस से बुझा कि ना आप तो टावर धरे तो कहने सर जी तो दूना चर भैल ना, ऐसा नहीं करना है वैसा, समझ गए ना, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ दो दुना तो हो गया, समझ गए ना, कितना दो हो गया और सो दुना 32 जोड़ी 34, आप अनहम कर दो एडजेक्ट 34 होगा, कैसे ध्यान दीजिए। जिस तरह से आपको बोलेंगे बाबू H2 है तो H2 का जो हम आपको बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तो एगो कितना है बाबू रे है छः क्या गो दो दे दी दू गो आ प्लस ऑक्सीजन के लिए कते नंबर पर छे कितना पर है एगो कते 16 है ना तो 16 इसको कर देंगे मतलब 16 इसको बैलेंस किए कितना आ गया दो आ गया ना तो कितने होगा 16 दुना 32 है कितना आ गया 32 तो कहिए कितना होगा ये दो आ प्लस 32 हुआ ना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 ग्राम हुआ। देखिए 34 ग्राम अनहोस है और 34 ग्राम अनहोस, बात समझे कि नहीं समझे, पूरा हवा क्लियर आपके। सर जी आप जो दो से किए हैं तो आप दो से कर दिए फिर भी बतिया बराबरी होगा, दो दुना चार तो चार यहाँ जोड़ दीजिए, आप जोड़ना चाहते हैं चार जोड़ दीजिए तो चार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे चार जोड़ेंगे तो चार आप 32 और कते हेतु 36 तो अनहोस जोड़बे तो कते भले दुना चार अथो चार देवे उन्नत करी दे तो कर दीजिए यही कर दिया अच्छा रहेगा। तो यहाँ कर लीजिए यहाँ चार कर दीजिए, समझ गए ना, यहाँ चार करेंगे तो कितना हो जाएगा चार जोड़ दें कितना हो जाएगा बाबू 36 हो गया। तो यहाँ भी किए है ना तो यहाँ भी कर लीजिए चार, कितना कर लीजिए चार, तो चार करेंगे तो कितना चार हो जाएगा, ये तो 32 है ये है जोड़ दें कितना हो गया 36। देखिए तो एग्जैक्ट 36 ग्राम अनहो 6 ग्राम अनहो हुआ। तो आप ही बात याद रखिएगा जो रासायनिक अभिक्रिया जब तक संतुलित नहीं करेंगे तो ये जो द्रव्यमान संरचना के नियम का पालन नहीं करेगा, बात समझ गए ना। तो सब आदमी पॉइंट बना के वो लिखे नीचे में पॉइंट बनाइएगा, लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन क्या बोली लिखे रासायनिक समीकरण संतुलित कर देना, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। लिख लिए जल्दी से इसको सब आदमी लिख लीजिए, तो ध्यान दे रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिक्रिया होने के बाद उत्पादक कुल द्रव्यमान कते हुए 36 ग्राम। अरे बतिया बुझा ऐसे नोमरिकल तोरा NCERT में भो से भरल है आ तोरा भो से बना देना है, सी से च से चल देना है, जल्दी कीजिए। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, चलिए हो गया। अब अपना लोग जिस तरह से इसको समझे सब समझ गए ना, तो क्या बताए तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के नहीं तो निर्माण है छे और द्रव्यमान के नहीं तो विनाश है। देखिए और जितना द्रव्यमान आने रहे उतने एडजेक्ट बनले कि नहीं बनले, आप गाँव घर में ऐसे भी समझ सकते हैं, अरे चावल उबल बनाते हुए जितना चावल लगाते हुए ना उतना भत्तियों बनकर तैयार होता होगा, बात समझा कि नहीं रे, लेकिन उसमें कुछ उल्लंघन होते हैं समझे ना, उतना बात मुझे समझिए कोई बात नहीं है, चलिए कर लेना। आप लिखिए दोनों लिखिएगा स्थिर अनुपात का नियम, फिर लिखिए लिखिए स्थिर अनुपात का नियम। चलिए सब आदमी लिखिए डैश मार के लिखिएगा, किसी भी यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से होता है। बताए थे किसी भी यौगिक के निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से होता है, बताए थे। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, उसी में नेक्स्ट पॉइंट कीजिएगा,
लिखिए यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित, उपस्थित तत्वों का अनुपात, यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात हमेशा नियत होता है, तत्वों का अनुपात हमेशा नियत होता है, या उसी को स्थिर भी कह सकते हैं, नियत रहता है या स्थिर रहता है, जो लिखिए नियत होता है, चाहे वह यौगिक, चाहे वह यौगिक, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत, किसी भी स्रोत कोमा किसी भी स्थान, किसी भी स्थान कोमा किसी भी विधि, किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, प्राप्त किया गया हो, प्राप्त किया गया हो। नेक्स्ट लिखिए इसे ही, नहीं तो उसी लिख लीजिए, इसे ही स्थिर अनुपात, इसे ही स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात, इसे ही स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं, स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए बाबू हमारे बात को ध्यान सुनिए, आपको बताए जो किसी भी यौगिक किन्मान दो या दो से अधिक तत्व से होता है, बात बताए थे, और यौगिक में तत्व के अनुपात हमेशा निश्चित होगा, चाहे वह तुम किसी भी स्रोत, किसी भी विधि, किसी भी स्थान से प्राप्त करो। मान के चलो इंडिया एक थोड़े गत बन रहे, हम दिल्ली में जा कर के बनाएंगे जल, तो कि वहाँ पर यहाँ यहाँ हम बनाते हैं तो हाइड्रोजन को मिलाए ऑक्सीजन को मिलाए, आ दिल्ली में जाकर बनबे तो कि बनते हुए तो दोहर चीज लाके बनना पड़ता है कि यहाँ चीज़ देवे तो ये बनते, बात समझे ना। और किसी भी स्रोत, कहने का मतलब है नाली का जल उठा के ले आओ, समुद्र का जल उठा के ले आओ, वो बहु जल जले छे, केमिस्ट्री ओकरा H2 ही कहते। अरे नहीं बुझ रहा बतिया, समझा कि नहीं। और इसका जो खोज किया था, इसका खोज किया था जोसेफ प्राउस्ट किए थे, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लिए। तो लिखिए इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट, इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने, नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में किया, 1799 ईस्वी में किया। आप ध्यान दीजिए, अब मेरे बात को ध्यान से सुनना बाबू, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का खोज बोलेंगे तो एंटोनी लेबोजियर, स्थिर अनुपात के नियम का बात करेंगे तो जोसेफ प्राउस्ट, याद रहेगा। समझ गए कि नहीं समझे, बोल रे मूर्खनन, हाय रे नलकबन, बलहन न तो नहीं सको बलहन रे, तो ध्यान दीजिए। अब आपको कोई भी यौगिक का अनुपात कैसे निकालेंगे, अभी तुरंत हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझना है, समझ गए ना, कैसे समझेंगे ध्यान से। आपको बताए द्रव्यमान संरक्षण नियम में द्रव्यमान स्थिरता करके भी दिखाए, तो नहीं कि सर एगो रटने हैं तो बोल दे, कोई बात नहीं, किताब में भरल है, जाके जितना में जितना बनाओ, कोई बात नहीं, जते मन तत्ती, समझ गया ना। तो वही बात है स्थिर अनुपात का नियम, आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर बाबू हम H2O लिखते, ध्यान देना सब आदमी, क्या लिखे H2O, बताइए थे H2O कितना तत्व के मिलने से बना है, तो बताए थे दो या दो से अधिक, तो दो गो तत्व, एगो हाइड्रोजन एगो, आप ध्यान दो, तुमको बोलेंगे रे बाबूआ हाइड्रोजन में क्या गो छे, ऑक्सीजन क्या गो छे, तो अभी भी बताए जे हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान एक आ लगल छ दू, तो एक गुना दू तो कते भेले दू, बस बोल अनुपात दबे की दबे, एक ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान करे कते छे,
आपका तो सर कैसे हो जाता है? तो कोई बात नहीं, हम रटाएंगे भी नहीं, आप एक ट्रिक से याद करेंगे 30 तक, जब जकर परमाणु संख्या हो तो ओकर दुगुना होता है, लगभग 30 तक फ्लो हो जाता है, तो ये 8 नंबर पूछा था, 8 × 2 = 16, तो तय लगा दै छियै 16, बस बुझलि कि ना सर? नहीं तो अकरा काटबै तो कते हेतै 1:8। आब ध्यान से समझो, कतना बार तो ऑब्जेक्टिव यह पूछ देता है जे जल के अणु में हाइड्रोजन के कतना अनुपात, ऑक्सीजन कतना अनुपात, ऑप्शन दे देगा 1:8, 8:1, 2:4 में से कोई नहीं, बुझा कि नहीं सर? नहीं तो ध्यान दो बाबू, कहीं भी जल बना तुम, ये पृथ्वी के किसी भी कोना पर जल बना लो, अब बनाएगा तो ओ में थोड़ा 1 भाग हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 8 भाग ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तभी जल बनेगा। कतना का मतलब किया सर, हमें 2:5 में जल नहीं बनते, वहीं ठोकेंगे लगातार आधा घंटा का। तब थोड़ा अभी बता रहे हैं जी, 1:8 देंगे तबे तो जल बनेगा, और कुछ भी देंगे जो सा जल नहीं बनेगा गधवन। वो सब बुझा? कतना लड़का समझ गया है? क्या आगे दे तो तुम बना लोगे? कितना लगता हम बना लेंगे? कोई बात नहीं, एक हम देते हैं CO2, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 30 सेकेंड टाइम देते, 30 जल्दी बने फुर्ती में, 30 सेकेंड जल्दी बना देखिए फुर्ती में। CO2 का फुर्ती में लीजिए, 30 सेकेंड हो गया, कोई बात नहीं है, गधवन ध्यान दो आप। देख कार्बन कते बचे रे, 6 बताए तो 6 × करबे 2 से तो कते हेत 12, अनुपात एगो फे 16, अच्छे ऑक्सीजन 2 तो 16 × 2 = 32, काटबे तो 4 तिया कर दे रे, नहीं रुक गधवन ध्यान देना, काटो इसको, करेगा ई नहीं करेगा? आई डोंट नो, 4 से कटता है, 4 तिया तो 4×8 है रे मूर्ख नाम। ध्यान दो, तो कार्बन के 3 भाग और ऑक्सीजन के 8 भाग अगर तू मिला देगा तो कौन सी बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लीजिएगा, जल्दी इसको भी लिखिए फुर्ती में। नंबर कर लीजिएगा, नंबर 1 और नंबर 2 फुर्ती में, 1 तुम लोग को हम जल्दी देते हैं फुर्ती को बना के दिखा दो, 3 नंबर में H2O2 फुर्ती में देख, जब ना देखे जल्दी, हमको जल्दी बोलो, सबसे पहले जो बोलेगा उसके, जो सबसे बना के दिया उसके अकाउंट में 5% हम आज भेजेंगे, जल्दी करो अकाउंट में फुर्ती में। कते बेले अरे नलकवन हे रे क्या लोग कितना हाइड्रोजन कते नंबर से गधवन से 1 होता है, 2 दब है, ऑक्सीजन कते जो 16 × 16 = 32 काट दबे तो 1:8 बहुत से बुझा कि नौ सर ना जल्दी कीजिए फिर भी लिखिए इसे 1 और देंगे 4 नंबर लिखेगा NH3 इसका बना दे फुर्ती में NH3 बोल देते हैं नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 × 7 = 14 आप बना दो हाइड्रोजन तो आप कड़ी लेगा कितना हुआ कोई बात नहीं है ध्यान दो ये कते 7 छे तो कते 7 × 14 अनुपात कते बोले 3 अकर अतनी भै जित बुझा आप ध्यान दो कुछ हम HW दे देते हैं आप लोग इस सब को बना के रखिए इसमें रहेंगे चलिए HW ने कहा था हॉर्लिस वर्क एच मन हॉर्लिस डब्लू मन वर्क पूरा पी करके आना अगर हॉर्लिस पी करके नहीं आया तो कल ही तोहनी क्लास में हम कंप्लेन पिलाएंगे इहो से तगड़ा है कंप्लेन समझता है ना वो खजूर के जहन गधवान एक बार लग गया ना जवान याद है भाई साहब समझते हैं ना तो अगर तू हॉर्लिस वर्क पी के नहीं जितना पिएगा उतना तो रिएक्शन बम बम करेगा ध्यान दो गधवान ध्यान दीजिएगा पहला बना का ना NaCl तो सबे खाई छी नमक ओके बाद 2 नंबर में तोरा बना का आना है CO दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड ओके बाद 3 नंबर में तोरा बना के आना है कार्बोनेट का CO3 समझ गए ना और तुमको 4 नंबर में क्या दे दे NH4 दे देते हैं और लीजिएगा इस सोडियम में 11 नंबर पे अगर 22 है समझ गए ना क्लोरीन का 34 34 पॉइंट कुछ होता है समझ गए ना
बना के लिखिएगा, हम अशरफ और दें इतना बना लीजिएगा, इतना बना लीजिएगा। ठीक है साथियों, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको बता दिए हैं। जो भी आपको क्वेरी होगा समझने में आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और गर्दा आप भी क्यों नहीं मचाएगा, आप भी मचाइएगा, और आपको ही मचाना है और मचा मचा के अंतिम मचा के ही छोड़ना है, बात समझ गए ना। तो इन चैनल के साथ वाणी की विराम देने से पहले एक बात हमको बोलते हैं, और याद रखिएगा, कितना लड़का यह होता है जो बकवन थोड़ा सा ज्ञान देते हैं वो मतलब फायरिंग मारने लगता है। देखिए बाबू, अभी सीखने बहुत बाकी है, विद्वान की इस पृथ्वी पर कमी नहीं है। जिसको कभी भी इस चीज़ का घमंड हो जाए, हम बहुत जानते हैं, ये जानते हैं, एक बार गाड़ी पकड़िएगा, दिल्ली कोटा बम्बई सब घूम कर गईगा, वहाँ से घूमने के बाद आपको पता चल जाएंगे जो हम कितने पानी में हैं और कितने वैरायटी वैरायटी इंसान है, तो कितने आए कितने गए। इसलिए कहावत बोलते ध्यान देगा, जिसको पढ़ाने में कई जमाने लगे आज वही हमको सिखाने लगे, जिसको पढ़ाने में कई जमाने लगे आज वही हमको सिखाने लगे, जिसको सिखाए थे समर समर कर चलना आज वही हवा में कबूतर होने लगे, आज वही हवा में कबूतर आने लगे। इन्हीं चलन के साथ वाणी विराम देंगे। ओके, धन्यवाद।